कुशीनगर परिषद के लिए शनिवार को प्रथम चरण संपन्न हुआ, जिसमें भाजपा की रेलम चौहान अध्यक्ष निर्वाचित हुई एवं उपाध्यक्ष पद पर कांग्रेस के शेख शब्बर हुसैन जिनवाला निर्वाचित हुए। कांग्रेस के 8 पार्षद एवं भाजपा के 7 पार्षद होने के बाद भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद के लिए किए गए निर्वाचन में कांग्रेस का एक मत निरस्त होने से दोनों ही दल के उम्मीदवार बराबर हो गए। तत्पश्चात इनकी हार जीत का फैसला चिट्ठी के माध्यम से किया गया, जिसमें भाजपा की प्रत्याशी रेलम चौहान अध्यक्ष पद के लिए चुनी गई। रेलम चौहान के अध्यक्ष निर्वाचित होने की घोषणा सुनते ही भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी ने एक दूसरे को बधाइयां दी एवं रेलम चौहान का विजय जुलूस संपूर्ण नगर में निकाला गया। कुक्षी से सईद अनवर खान की रिपोर्ट। बताएं जीत के बारे में। ये जीत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है और ये जीत आने वाले 2023 का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक होकर पूरे आने वाले इलेक्शन को चुनाव लड़ेगा और वो जीत आने वाले समय में तय हमारी। जो है पूरा अध्यक्ष चुनी गई यहाँ पे, इस जीत को आप अपने शब्दों में किस तरह बयान करेंगे बताएं। ये जीत खुशी की जीत, ऐतिहासिक जीत है और यह जीत भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की जीत है और निश्चित रूप से आज भगवान भी स्वयं हमारे कुक्षी विधानसभा में कुक्षी नगर परिषद को आशीर्वाद दिया है और मैं इस नगर परिषद चुनाव के माध्यम से कहना चाहता हूं आने वाले 2023 में भी भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार यहाँ से जीतेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।